नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दुधैला गांव में बीती रात करीब 11 बजे एक वृद्ध महिला को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद स्वजन घायल को लेकर थाना पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मायागंज में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल महिला की पहचान दुधैला गांव निवासी स्वर्गीय अनिल झा की पत्नी 65 वर्षीय किरण देवी के रूप में की है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। घायल के पुत्र राजा ने बताया कि रात करीब 11 बजे दो बदमाश दरवाजा पीट रहे थे। जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला, बोला बेटा कहाँ है, माँ बोली नहीं निकलेगा, इतने में ही गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी है। माँ ने उन दोनों को पहचान लिया है। राजा ने बताया कि माँ यहाँ नाना के घर पर रहती थी। मेरे दादा का घर असरगंज के कष्टिकरी गांव पड़ता है। पड़ोसी मुरलीधर झा और उदय झा से जमीन विवाद चलता था। गोली मारने में मुरलीधर झा का पोता मनु और उदय झा का बेटा अनु शामिल है। बताया जाता है रविवार के दिन में महिला कल अपने ससुराल कष्टिकरी गांव भी गई हुई थी। वहीं घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दो युवक की तस्वीर कैद हुई है, जो एक धार्मिक स्थल के पास खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस घटना की सघन पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि युवक ही अपराधी है या फिर कोई और दूसरा। इस संबंध में मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि घटना घटी है, बेहतर इलाज के लिए वृद्धा को पटना रेफर किया गया है। घटना की सघन जाँच पड़ताल की जा रही है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला चौक स्थित एक किराना दुकान में बदमाशों द्वारा हथियार के बल पर 3,000 रूपए लूटने और प्रति माह 10,000 रूपए रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। किराना दुकानदार पीड़िता पूजा जायसवाल ने थाने में दो नामजद बदमाश के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पूजा ने दिए आवेदन में लिखा है कि शाम करीब 6 बजे मैं करेला चौक स्थित अपने किराना दुकान पर थी, तभी नूरपुर निवासी नीतीश कुमार और नूरपुर राजपुर टोला निवासी विष्णु पासवान और बिस्टकिया आया और दुकान से जबरन सामान लेने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो दोनों ने गाली गलौज करते हुए हथियार का भय दिखाकर काउंटर में रखे 3,000 रूपए लूट लिए और धमकी देते हुए कहा कि अगर दुकान चलाना है तो प्रति माह 10,000 रूपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। पीड़िता ने पुलिस से अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं संबंध में मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। घटना सही है या गलत, कुख्यात रूपेशवा का भाई नीतीश बीते 24 जनवरी की रात नाथनगर स्टेशन पर दो युवक प्रिंस और शेखर की राघोपुर टीकर निवासी कुख्यात मनु यादव और नूरपुर निवासी रूपेश यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कांड में पुलिस ने मनुआ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन 2 माह बीतने को है, लेकिन रूपेश यादव अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। किराना दुकानदार पूजा जायसवाल की दुकान से जबरन 3,000 रूपए लूटने में रूपेश का भाई नीतीश कुमार शामिल है। विष्णु पासवान पर भी लरमटिया और मधुसूदनपुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज है। सर, दो आदमी मेरे दुकान पे आए पुड़िया और या सिगरेट उकरेट मांगने, तो हम बोले नहीं देंगे, तो गुस्सा होने लगा, बोलता आएंगे अभी सामान लेके, बोले जाओ लेके आओ, तो इतना में क्या किया, गल्ला से 3,000 रुपया था लेके भाग गया और फिर बंदूक लेके आया, इतना बड़ा लेके आया और मेरे हस्बैंड के यहाँ पे सटा दिया। उसी को झगड़ा उगड़ा हो गया, फिर हम बोले बुलाते हैं थाना वाला को, तब भाग गया। क्या चीज, लोग कितने लोगों से थे? दो लोग थे, एक का नाम है बिस्टक्की, हाँ पहचानते हैं दोनों को, घर के वहीं आसपास का ही है, और एक का नाम बिस्टक्की के नाम से है, वो दारू बेचता है चुरा के, और एक का नाम ढाकुल नाम है उसका, वो फाटक के पास का है। इसके पहले भी किया था कुछ? हाँ, एक दो बार पहले भी कर चुका है। अच्छा, तो हम हत्था खार के तो चौथी बार आए हम थाना में देने, 2 बार 3 बार उसको हम अपने से समझा चुके, वो उन लोग नहीं मान रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पूजा जायसवाल। घटना कहाँ हुई है? घटना हुआ करेला चौक पे इंटर हाई स्कूल के पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पूजा जायसवाल। पति का नाम सूरज कुमार। घर आपका? घर वह फाटक के पास नूरपुर। भागलपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक मां अपने बेटे को कमरे में बंद कर 2 दिनों के लिए पटना चली गई। जब 2 दिन बाद घर लौटी और कमरे को खोला तो उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। 15 वर्षीय दिव्यांग अपने व्हील चेयर पर ही दम तोड़ चुका था। मामला भागलपुर की सुर्खी कल मोहल्ले का है, जहां दिव्यांग आदित्य अपनी माँ के सहारे किराए के मकान में रहता था। आदित्य की माँ अनिता मायागंज अस्पताल में स्टाफ नर्स और पिता भी पूर्णिया में रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी करते हैं, वो भी दिव्यांग है। मृत आदित्य की माँ अपने दूसरी बेटी को पटना से वापस भागलपुर लाने के लिए गई हुई थी। अब सवाल उठता है कि जो दिव्यांग व्हील चेयर पर अपना नित्य क्रिया करता था, उसे छोड़कर जाना क्या सही है? दिव्यांग खुद से जब कुछ खा नहीं पाता था तो उसे इस तरह छोड़कर 2 दिनों तक घर से बाहर जाना कहां तक सही है? बच्चा को ना इंसेफलाइटिस हुआ था। हाँ। तो वही चलता नहीं था बच्चा। हाँ।
तो उठा कर बैठाते थे, खिलाते थे और स्वस्थ भी था, सिर्फ चलता बुलता ना था। और अचानक उसको जो है कलेसा हुआ हादसा। आप पटना कब गए थे? पटना गए थे बच्चा को लाने के लिए, हम गए थे अपना बच्चा को, दूसरा बच्चा। हाँ, एक बच्चा वहाँ पढ़ता था तो वही उसी को लाने गए। तो इसको रूम में बंद कर दिए इसको? हाँ, ऐसे ही लगा के ही जाते थे। हाँ। कोई देखता नहीं है तो हम चलता बुलता ना है तो गोदी उठा नहीं पाते थे। हाँ। तो ऐसे ही बंद करके ही जाते थे। कई दिन में आए वहाँ से? हाँ, दो दिन में, जैसे कि आज गए कल होके आ गए, आज गए कल होके आ गए। तो खा पीने से का होगा? खाता नहीं, खाता तो हम अपने खिलाते थे, ऐसे खाता नहीं अपने से, तो खाना अपने से नहीं खिला खाता है। तो दो दिन खाया नहीं होगा? एक ही दिन? हाँ, एक दिन नहीं खाया, जैसे खिला के गए ना, दूसरा दिन नहीं खाया। दूसरे दिन तो माँ ही आए तो देखे कि बच्चा चाल ही नहीं कर रहा है। और कुछ चाल ही नहीं कर रहा है, बहुत कोशिश की है, तब फिर हमको तो हालत खराब हो गया, हम खुद बेहोश हो गए रोते रोते कि कैसे ऐसे हो गया, ये अचानक कैसे हो गया। क्या नाम था बच्चा का? आदित्य। कितना उम्र था? 15 साल। भागलपुर शहर के बीचों बीच जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बस स्टैंड को अलीगंज स्थित रिक्शा डी में व्यवस्थित किया गया है। यह बस स्टैंड अस्थायी बस स्टैंड है, जहां बस की परिचालन में काफी परेशानी आ रही थी। बस के चक्के फंस जा रहे थे, जिसको लेकर आज फ्लीस डालकर उसे दुरुस्त किया गया, जिसका निरीक्षण करने आज एसडीओ धनंजय कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड की क्या व्यवस्था है उसे देखने आया था, सारा कुछ दुरुस्त कर लिया गया है, बस के परिचालन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नहीं है, जो ऐसे जो नॉर्मल जो चल रही है उसी को देखने आए थे हम लोग। और आज से यहाँ पे फ्लाई ऐश भी गिराया जा रहा है और यहाँ पे टीम डिप्यूट कर दिया गया है, ताकि जैसे ही फ्लाई ऐश गिरे उसको लेवल करके जो वाटर स्प्रिंकलिंग का काम है उस पर कर दिया जाए, ताकि जो अभी जो सूचना मिल रही है कि कहीं कहीं पर अनलेवल है तो वो लेवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिशन सुरक्षा के तहत मंगलवार को बरारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस एवं 46 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को CTSP राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि SSP को बरारी थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थ एवं अवैध हथियार की तस्करी के बारे में सूचना मिली। मिली सूचना को सत्यापन करते हुए CTSP के निगरानी में DSP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा खंजरपुर स्थित छोटी बिसरी मंदिर के पास से कृष्णा रजक एवं किशन कुमार को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर रोशन यादव उर्फ अजय कुमार के घर की तलाशी लेने पर 2 पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इधर गिरफ्तार आरोपी की पहचान उमेश रजक के पुत्र कृष्ण रजक, रमेश यादव के पुत्र किशन कुमार, रामविलास यादव के पुत्र रोशन कुमार उर्फ अजय कुमार शामिल हैं। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 46 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज के पीसी जो 3 महत्वपूर्ण मामले संबंधित है, जिसमें चुनाव को देखते हुए अवैध हथियारों और ब्राउन शुगर हो या शराब हो, उसके विरुद्ध छापेमारी लगातार चल रही है, उसी में जो सफलता प्राप्त हुई है उससे संबंधित है। एक मामला जो है बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जिसमें पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लड़के अवैध हथियार और मादक पदार्थों का तस्करी कर रहे हैं। इसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, कृष्णा रजक, पिता उमेश रजक जो कि बड़ी खंजरपुर छोटी बिसहरी स्थान लेन का रहने वाला है, दूसरा किशन कुमार, पिता रमेश यादव उर्फ नेमो यादव जो कोयरी टोला बड़ी खंजरपुर का रहने वाला है, दोनों थाना बरारी, तीसरा रोशन यादव उर्फ अजय कुमार जो तिलका मांझी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तारी किया गया है। कृष्णा रजक के पूर्व में भी बैंक लूट और अन्य मारपीट के मामलों में भी ये जेल जा चुका है। इसमें हम लोगों को 2 व्यक्ति, पहले तो कृष्णा रजक और किशन कुमार को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया, जब इसके साथ कड़ाई से पूछताछ की गई और जो हम लोगों का टेक्निकल और उस पर वर्क किया गया, तो उस पर तीसरा व्यक्ति है रोशन यादव, इससे हम लोगों को 2 पिस्टल बरामद हुआ और 3 कारतूस बरामद हुआ। ब्राउन शुगर जो कुल टोटल जो अमाउंट है वो 46 पुड़िया हम लोग को बरामद हुआ है।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों पर अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को एसटीएफ टीम एवं माइनिंग टीम स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने 5 बालू तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है, जिसकी जानकारी मंगलवार को CTSP राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। छापेमारी के दौरान बालू तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। SP नागे बताया कि अवैध खनन का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि की गई, जिसके बाद SSP के निर्देश पर एक टीम गठित कर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तहसूर घाट पर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान अवैध खनन मामले में 3 अवैध बालू लोड ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है एवं 5 बालू तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन बालू को पासिंग करने वाले गिरोह के स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धारा में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जान रहे थे कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अवैध बालू खनन को लेते हुए, इसमें कल रात को संयुक्त रूप से खनन की भी टीम लिया गया और STF की भी जो टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी किया गया है, और इस पूरे ऑपरेशन में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। चंदन कुमार, पिता स्वर्गीय रामजन मंडल, दूसरा अजय मिश्रा, पिता स्वर्गीय बंसीधर मिश्रा, दोनों साकिन हाजीपुर, तीसरा वीरेंद्र कुमार सिंह कमलपुर, तीनों जो है सजौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रसाद और धनंजय, जो कि अमरपुर और जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ साथ जो अवैध खनन चल रहा था मौके पर से 3 ट्रैक्टर, बालू लोडेड जो ट्रैक्टर और 1 स्कॉर्पियो जो पासर का काम करता है, इसको जब्त किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में जो अपराधी जो तस्कर थे उनके साथ फायरिंग भी हुई। तस्करों की तरफ से शुरुआत में 3 राउंड फायरिंग किया गया। इसके जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस की तरफ से 15 राउंड फायरिंग किया गया और इसके बदौलत हम लोगों ने मौके पर से इतनी जो है बरामदगी भी किया है और गिरफ्तारी भी करने में सफल हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। TF सिनेविजन के बैनर तले भागलपुर की विभिन्न जगहों में इज्जत की जिंदगी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म के निर्माता आशीष कुमार पांडे एवं BN दुबे हैं। फिल्म दहेज प्रथा और सास ननद और बहू के झगड़े पर आधारित है। इज्जत की जिंदगी फिल्म में मुख्य कलाकार आयुष कुशवाहा, दिव्या यादव, रूपा सिंह, TN त्रिपाठी, मुकेश यादव, किशन जी, रिंकू यादव, वीरेंद्र ओझा एवं पुष्पेंद्र राय है। फिल्म का छायांकन DK सिंह के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म के कलाकार आयुष कुशवाहा
बताया कि यह फिल्म घर में किस तरह सास और नंद मिलकर बहू को प्रताड़ित करती है इस पर आधारित है। फिल्म लाने का मुख्य मकसद हमारा यह है कि हर घर में बहू को बेटी जैसा सम्मान मिले, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आयुष कुशवाहा ने कहा कि इस फिल्म की जो भी कमाई हमारे हिस्से में होगी उस कमाई का 20% हम गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए काम करेंगे। फिल्म में सास की भूमिका अदा करने वाली रूपा सिंह ने कहा कि लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हूं, लेकिन जब इस फिल्म का स्क्रिप्ट हमें निर्माता के द्वारा दिखाया गया तो तुरंत इस फिल्म को करने के लिए मैं राजी हो गई। इस फिल्म में बहू की भूमिका अदा करने वाली कलाकार दिव्या यादव ने कहा यह फिल्म बहुत ही अच्छी है और फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। फिल्म के डायरेक्टर बी एल प्रजापति ने कहा कि यह फिल्म बहुत ही जल्द देश के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगा। आपको बता दें इस फिल्म के मुख्य कलाकार आयुष कुशवाहा भागलपुर जिले के चंद्रलोक कॉलोनी निवासी है और इनका पैतृक घर अमरपुर में है। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम है सभी दर्शकों को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर बहुत ही एक सीधी सिंपल सी जो बहू होती है, गरीब परिवार से है वो, तो यही मेरी स्टोरी है। बाकी सासू माँ और ननद जी बहुत परेशान करती हैं मुझे, है बहुत प्यारी। एक्चुअली भागलपुर में तो मैं ज़्यादा कुछ देखी नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, और काम करके अच्छा लग रहा है कि लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिंग हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज यहाँ पे इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जो इज्जत की ज़िंदगी फिल्म का शूट हो रही है इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए, और आप लोगों का भी आशीर्वाद और जो भी हमें देख रहे हैं आप लोगों का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरी है। ये मेरी तीसरी पिक्चर है जिसमें पहले मैं एक वेब सीरीज़ किया था अदृश्य, और दूसरा मैं किया पिया घर जाना है, और ये तीसरी पिक्चर है इज्जत की ज़िंदगी। ये कहानी एक घर की है जो महिला प्रधान स्टोरी है, और इसमें का मतलब एक सास बहू की जो नोकझोंक होती है हर एक घर में होता है, तो उसी नोकझोंक को हम एक कहानी के माध्यम से दिखाया है। आपका क्या उद्देश्य? आपका किरदार क्या है? मेरा इस पिक्चर में जो किरदार है, जो मुख्य कलाकार में लीड में जो है, लीड में मैं हूँ, और मेरे साथ जो मुख्य भूमिका निभा रही मेरे अपोजिट में वो दिव्या जी हैं। कहाँ से कलाकार हैं? यहाँ पर कुछ मुंबई से आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, पटना से भी हैं, और यूपी से भी हैं, हर जगह से कलाकार आए हुए हैं। बच्चे बच्चे? मैं आयुष कुशवाहा और मैं इसी भागलपुर से हूँ, और भागलपुर के लिए मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ऐसा है कि मेरा यहाँ पर पिक्चर करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ के गरीब बच्चों को जो शिक्षा है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देना है, क्योंकि आज का जो शिक्षा है वो काफ़ी मूल्यवान हो चुका है, मतलब काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसके लिए दो कदम आगे बढ़ाएँ, तो इनके एजुकेशन के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैं सोचा चलो यहाँ से पिक्चर की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो मैं जो भी पिक्चर करूंगा अभी से लेकर के आगे तक, मेरे खुद के जो भी बेनिफिट्स होंगे, पूरी टीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरे खुद के इंडिविजुअल के होंगे उसका 20% मैं गरीब बच्चों में डोनेट करूँगा वो शिक्षा के माध्यम से। बड़े पर्दे का फिल्म, ये बड़े पर्दे की पिक्चर लगेगा? हाँ बिल्कुल, भागलपुर में लगेगा। सबसे पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि मैं भी यहीं की बेटी हूँ, बाका की बेटी हूँ मैं, बाका हमारा मायका है। तो मुझे जब इस पिक्चर के लिए सर ने बोला तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि यूपी वगैरह तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमारा बिहार खास करके हमारा भागलपुर बहुत पीछे रह गया है। तो इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी आई इस पिक्चर को करने के लिए, और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि सर ने मेरे पे भरोसा किया और मुझे इतना लंबा कैरेक्टर दिया। पूरी फिल्म में एक जो सास जो मेरे नेचर के विरुद्ध है, और ये मेरी बेटी है इसके भी नेचर के विरुद्ध है, इतनी ख़राब है कि कह नहीं सकते हैं। बहुत चुड़ैल टाइप की सास है और ननद है, और बेचारी हमारी बहू मासूम सी है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, उसे बहुत टॉर्चर किया है उसको। तो जैसे कि सर ने बताया कि 2 घंटे में ही सब कुछ दिखा दिया जाता है, तो वही इस फिल्म का जो सारांश है कि कितना भी बुरा कीजिए लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है, बुराई की नहीं होती है।
तो अंत में हम लोग सुधर गए हैं बहू की वजह से सुधर गए हैं। तो यही है इस फिल्म का। सर मेरा नाम हुआ रूपा सिंह। अभी तक कितना सर बड़ी छोटी अगर मिला के देखूँ तो चूंकि मुझे 10-15 साल हो भी गए हैं इस फील्ड में तो वो 100 फिल्में हो गई हुई धारावाहिक। मैं थिएटर भी करती हूँ, मैं अपने प्रयास संस्था है हमारी पटना में उसकी मैं सेक्रेटरी भी हूँ और जब भी टाइम मिलता है चूँकि थिएटर में रिहर्सल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा तो जब भी टाइम मिलता है मैं करती हूँ। भागलपुर में फिल्म शूट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ नया दिखाया जाए फिल्म सिनेमा में। हम लोग मुंबई में सिनेमा शूट करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे लोकेशन हम लोग यूज़ कर चुके हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट इतना रिपीट कर चुके हैं कि हम लोग एक दीवार को भी पकड़ देखते हैं ना तो ये बोल देते हैं कि ये इस स्टूडियो का लोकेशन है। और आजकल यूपी में इतना शूटिंग हो रहा है कि यूपी में हर गाँव में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं तो अब इसलिए मतलब कुछ नया लोकेशन चेंज किया जाए इसलिए हम लोग भागलपुर आए हैं। और मुझे आए हैं आते आए उस जिस टाइम हम लोग आ रहे थे उस टाइम डर बहुत डर था लेकिन अब लगा कि नहीं यार सही जगह है और यहाँ के लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट किए हुए हैं। जिस बंगले के मालिक हो वो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने किया है तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है और यहाँ के लोकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, शूटिंग यहाँ यहाँ पर होगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार की भी बहुत सारी कमियाँ यहाँ पर है। डर का कारण क्या था? डर कारण कि लोग यहाँ पर शूटिंग बहुत कम करते हैं तो लोगों का कहना कि वहाँ पे चीज़ें सुविधाएं मिलती नहीं, लोग परेशान करते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसलिए हम भी डर था लेकिन अभी आने के बाद लगा कि नहीं चीज़ें सही है। यहाँ के लोग अच्छे हैं? लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, कॉपरेट किए हुए हैं। किस प्रकार की फिल्म बनाई, क्या कहानी? फिल्म एक नारी प्रधान स्टोरी है, सास बहू ननद की झगड़ा जो होती है ड्रामा होती घर में वही कहानी चल रही है जो दहेज को लेकर चल रहा है लड़कियों को। अभी कितनी फिल्मों में निर्देशन किए हैं सर? ये मेरी फिल्म दूसरी फिल्म हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है आधा एसोसिएशन वो पिया घर जाना है जी उसके लिए एक्टर रही थे और बाकी आधा एसोसिएट मैंने कर 30-35-40 फिल्में कर चुका हूँ जी। अपना नाम बता। मेरा नाम बी एल प्रजापति है, मैं प्रॉपर यूपी का रहने वाला हूँ जौनपुर जिला का। एक चीज करते हैं, सास बहू का झंझट तो हर धारावाहिक में हर फिल्मों में देखा जाता है जी, इसमें कुछ क्या अलग है कि लोग इसको पसंद करें? हाँ धारावाहिक में और फिल्म में बहुत डिफरेंट होता है। धारावाहिक कंटिन्यू चलते रहता है उसमें कहानी लिखी जाती है और सिनेमा के हम 2 घंटे में हम दिखा देते हैं कि आप ये गलत करोगे तो उसका पनिशमेंट क्या मिलने वाला है, यदि आप गलत करोगे तो उसका क्या अंजाम होने वाला है और सही करोगे तो क्या होने वाला है तो 2 घंटे हम लोग दिखा देते हैं। भोजपुरी जी, भोजपुरी फिल्म। 21 मार्च को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यलकर का भागलपुर आगमन होने जा रहा है। राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीनेट की बैठक में राज्यपाल शामिल होंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर शहर के सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय के मैदान में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। देर शाम कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान एनसीसी कैडेट के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि राज्यपाल के आगमन को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है, बेहतर व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 21 तारीख को माननीय राज्यपाल सह कुलपति यहाँ पर सीनेट की मीटिंग में आने वाले हैं, उसके पहले आज जो है ना वो मॉक ड्रिल हो रहा है, जो जो कार्यक्रम होंगे उसका रिहर्सल हो रहा है जिसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, कहाँ रहेंगे, किस तरह जाएंगे, कैसे सलामी होगी, है ना, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और जितने जो हमारे मेंबर्स हैं विभिन्न कमिटियों के उन सभी को मैंने बुलाया है। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। कितनी तैयारी सर पूरी हो चुकी है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 90% से ऊपर हो चुकी है, सब कुछ तैयारी हो गई है। अब केवल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं महामहिम के मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम का, जो राजभवन में मैंने कांटेक्ट किया है उनका, जैसे ही आ जाएगा तो आज वहाँ प्रशासन से मेरे पास आए थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कि उनका कैसे कैसे प्रोग्राम है तो अभी रात में हम बात करेंगे, जैसे ही आ जाएगा तो प्रशासन को दे दिया जाएगा, उसके वो बाद वो उसको टेक ओवर कर लेंगे।
आगामी होली त्यौहार को देखते हुए एसएसपी के द्वारा बनाए गए टीम के द्वारा नाथनगर के दियरा इलाके में स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने 2000 लीटर देसी शराब को जब्त कर नष्ट किया। पुलिस ने मौके से 3 भट्टी को भी नष्ट किया है। मंगलवार को सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आगामी होली को लेकर लगातार शराब माफिया पर नकेल कसी जा रही है। एसपी के द्वारा बनाए गए टीम ने मंगलवार को नाथनगर के दियरा इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान 2000 से अधिक देसी शराब को जब्त कर नष्ट किया गया। पुलिस ने 3 शराब बनाने वाले भट्टी को भी नष्ट किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस के हत्थे कोई शराब तस्कर नहीं चढ़ा। एसपी ने आगे बताया कि लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। छापेमारी की जा रही है, तो आज सुबह में नाथनगर में एसएसबी जो टीम हम लोग को मिली हुई है सीएपीएफ की और सीआईटी के साथ, तो ये सब संयुक्त रूप से दियरा क्षेत्र में कार्रवाई किया गया है, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया और 3 भट्टी जो शराब भट्टी बन रहा था इसको भी नष्ट किया गया है। तो आगामी होली पर्व को देखते हुए ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसमें यह एक कड़ी है, और इसके साथ साथ हम लोग और भी कार्य कर रहे हैं जिसमें अग्रता सूचनाएँ आप लोग को फिर दी जाएगी। आगामी होली पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी को लेकर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष पुलिस बल व एसएसपी जवान को लेकर मधुसूदनपुर क्षेत्र के कंझिया, महमदपुर, मनोहरपुर, मनसर, करेला, बिलखुरिया, भतोड़िया एवं आसपास की विभिन्न जगहों पर शराब एवं अवैध नशे कारोबारियों के घर पर छापेमारी करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि होली पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए। यदि इसमें कोई भी शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुल्तानगंज के मारवाड़ी युवा मंच की तरह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली महोत्सव को लेकर खाटू निशान शोभा यात्रा ध्वजा गली स्थित श्याम मंदिर से निकाली गई, जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को छोटी वाहन में बैठाकर ढोल बाजा गाना के साथ सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुषों द्वारा नाचते झूमते हुए हाथों में निशान लेकर पैदल भागलपुर जिला स्थित खाटू श्याम मंदिर के लिए रवाना हुए। वहीं थानाध्यक्ष प्रंजन के द्वारा निशान यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल को लगाया गया है। साथ ही अकबरनगर थानाध्यक्ष के द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्र तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने बताया कि निशान शोभा यात्रा होली उत्सव को लेकर 12 वर्षों से निकाली जा रही है। निशान यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि देश में सुख शांति और आपसी भाईचारा बना रहे। श्याम प्रभु की निशान यात्रा है, ये सुल्तानगंज से भागलपुर चुनियारी टोला में स्थित श्याम मंदिर जा रही है। पैदल हम लोग करीब करीब 250 से अधिक बच्चे लेडीज लोग मिलाकर हैं, और ये 12वां साल है हम लोग इस तरह का निशान शोभा यात्रा लेके जा रहे हैं। क्या मान्यता ऐसा है जो ये हम लोग के धर्म के प्रति हम लोगों की आस्था है। पूरे एक साल हम इन बाबा के संरक्षण में अपना जीवन बिताते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही जो भी हमारा जीवन चल रहा है, तो हम लोग उनके इस पर्व को क्या संदेश देना चाहेंगे जी? होली आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे होली के मौके? होली में अमन चैन इतना भरपूर रहे कि हर आवाम खुश रहे, और हमारा ये निशान यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि हमारा समाज एकत्रित हो, हमारा गांव एकत्रित हो, हमारा देश एकत्रित हो। खाटू श्याम के भक्तों द्वारा निशान यात्रा जो निकाला गया है, हम लोगों ने अकबर नगर में फूलमाला से भव्य स्वागत किया। होली उत्सव को लेकर सभी भक्तों को संदेश देते हैं कि शांति और सौहार्द वातावरण में होली पर्व मनाएं, और अकबर नगर जनता से भी अपील करते हैं कि होली पर्व शांति सौहार्द वातावरण में मनाएं।